Don't forget to click on bell icon to get all latest updates. आज हम आपको जिस इंसान के बारे में बताने वाले हैं, वो बॉलीवुड और टीवी सीरियलों में एक ऐसे अभिनेता है जिन्हें सब बाबूजी के नाम से जानते हैं, जिन्होंने कई फिल्में बनाई हैं और बहुत से सीरियलों में काम करके हमारा मनोरंजन भी किया है, साथ में हमें सुसंस्कृत भी किया है, क्योंकि इनकी फिल्में वास्तव में बहुत ही बेहतरीन होती है। हम बात कर रहे हैं आलोक नाथ की। आलोक नाथ जी का जन्म 10 जुलाई 1956 में दिल्ली में हुआ था। उनके पिता डॉक्टर थे और वो आलोक नाथ जी को एक डॉक्टर ही बनाना चाहते थे, लेकिन आलोक नाथ को एक्टिंग काफी पसंद थी और इसीलिए वो एक अभिनेता बनना चाहते थे। उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई दिल्ली के स्कूल से की और इसके बाद दिल्ली के मशहूर कॉलेज से उन्होंने ग्रेजुएशन किया। जैसे कि हमने आपको बताया कि आलोक नाथ जी को एक्टिंग का बेहद शौक था, इसीलिए उन्होंने दिल्ली के एक थिएटर ग्रुप से जुड़कर एक्टिंग सीखी और एक्टिंग में अपने करियर की शुरुआत की। अपने जीवन में उन्होंने सबसे पहले गांधी फिल्म में काम किया था। इस फिल्म में उनका रोल बहुत ही छोटा था, लेकिन उनका रोल बहुत अच्छा था। इस फिल्म के जरिए उन्होंने ₹2 लाख कमाए। जब ₹2 लाख उन्होंने अपने पिताजी के हाथ में रखे तो उनके पिताजी बेहद खुश थे, क्योंकि इनके पिता एक साल में लगभग ₹1 लाख कमाते थे। शुरुआत में ही इनकी अच्छी कमाई देखकर उनके पिता ने उन्हें काफी प्रोत्साहित किया। आलोक नाथ ने गांधी फिल्म में काम करने के बाद काफी सालों तक अगली फिल्म पाने के लिए बॉलीवुड में स्ट्रगल किया और कुछ साल कड़ी मेहनत करने के बाद इन्हें अगली फिल्म मिल गई। आलोक नाथ ने 1988 में आई फिल्म कयामत से कयामत तक में जसवंत सिंह के रोल को निभाया। 1989 में उन्होंने कई फिल्मों में काम किया। उनकी सुपर हिट फिल्म मैंने प्यार किया में इन्होंने करण के रोल को निभाया। इस फिल्म में अभिनेता सलमान खान भी थे। ये फिल्म उस समय की सुपर हिट और सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। 1990 में रिलीज होने वाली फिल्म अग्निपथ में उन्होंने दीनानाथ के रोल को निभाया। 1991 में फूल बने अंगारे फिल्म में भी काम किया। 2006 में आई विवाह में उन्होंने कृष्णकांत के रोल को निभाया और उस रोल के लिए उनकी काफी प्रशंसा भी की गई थी। फिल्मों के अलावा उन्होंने टेलीविजन सीरियल्स में भी काफी काम किए हैं। 1980 में उन्होंने रिश्ते नाते सीरियल में काम किया। उसके बाद 1992 में आने वाले तलाश सीरियल में इन्होंने शंकरलाल श्रीवास्तव के किरदार को निभाया। उसके बाद उन्होंने रिश्ते सीरियल में बाबूजी के रोल को निभाया। 2007 में उन्होंने सपना बाबुल का बिदाई नामक एक सीरियल में प्रकाश चंद्र शर्मा के रोल को निभाया। वास्तव में आलोक नाथ जी एक बहुत ही बेहतरीन कलाकार है। आलोक नाथ जी ने काफी सीरियल्स और मूवीज में काम किया है। अभी हाल ही में अजय देवगन, रकुल प्रीत सिंह और तब्बू के साथ उन्होंने फिल्म दे दे प्यार दे में काम किया है। हमें उम्मीद है कि आलोक नाथ जी इसी तरह बेहतरीन सीरियलों में काम करके हम सभी का मनोरंजन करते रहेंगे। फिल्मों और सीरियल्स के अलावा आलोक नाथ जी कंट्रोवर्सी में रहकर भी काफी सुर्खियां बटोरते रहते हैं। फिल्म इंडस्ट्री और टीवी इंडस्ट्री में आलोक नाथ जी का योगदान काबिले तारीफ है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडियन फिल्म हिस्ट्री। फॉर मोर इंटरेस्टिंग एंड अपडेटेड बॉलीवुड न्यूज प्लीज सब्सक्राइब इंडियन फिल्म हिस्ट्री यूट्यूब चैनल।